गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। आई होप आज हमारे क्लास में दिक्कत ना जाए। अरे रे, ओके सॉरी। चल, सो बेसिकली कल हमने पढ़ा दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, बैक्टीरियल के लाइफ प्रोसेसेस के बेसिस पे हम उन्हें डिवाइड जो कर रहे थे, कल हमने वो पढ़ा। 22 मिनट्स लेट, हाँ कोई नहीं, आज आपका 10th का, सॉरी बेटा सॉरी, सीरियसली सॉरी। कैसा हो जाता है ना कि दो लेक्चर्स के बीच में शिफ्ट करते करते है ना टाइम लग जाता है, ठीक है, सेटअप करने में, और हमें भी थोड़ा सा एक 5 मिनट्स का ब्रेक चाहिए होता है एक लेक्चर लेके अनादर लेक्चर, रियली सॉरी, ठीक है। और डोंट वरी, वैसे भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाले ही है जल्दी, कंफर्म नहीं है लेकिन मुझे इस बारे में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपके आशीष सर ने मुझसे पूछने के लिए कहा है कि 1 बजे आपका 10th का रिजल्ट आने वाला है, सो क्लास आप कब करेंगे, 1 बजे या फिर 20 मिनट बाद? बोलो, 1 बजे क्लास करेंगे या फिर उसे क्लास को डिले करना है, क्या करना है, ऐसा आशीष सर पूछ रहे थे जी। प्रेजेंट ही लगाई है बस, बोलो। टाइम पे ही लेंगे, ग्रेट। आज अभी ही, अभी कंट्रोवर्सी होगी, बोलो 20 मिनट बाद। चलो ठीक है, वैसे ग्रुप पे मैसेज डाल दो, ओके, आशीष सर ने पूछने कहा था तो मैंने पूछ लिया, हम हमारे टॉपिक पे बात करते हैं। आप पढ़ रहे हो ना घर पे सारे, है ना, ये वाली मैंने स्लाइड आपको भेज दी है, ठीक है, थोड़ी पुरानी वाली जो इनकम्प्लीट है वो वाली भेजी, ठीक है। आफ्टर 20 मिनट्स, ओके ग्रेट, ठीक है, आई टॉक टू हिम, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रेस्पिरेशन हमने देखा कि एरोब्स और एनएरोब्स में हमने डाले थे, ठीक है, फटाफट रिवाइज करते हैं, एरोब्स और एनएरोब्स में, ठीक है, ये एरोब्स को हमने डाले थे स्ट्रिक्ट एंड ऑब्लिगेट, स्ट्रिक्ट या फिर ऑब्लिगेट और एक फैकल्टेटिव, राइट, पूरा पूरा नहीं लिख रहे मैं, और दूसरा एनएरोब्स को भी हमने डाले थे ऑब्लिगेट एनएरोब्स और एक फैकल्टेटिव एनएरोब्स, राइट। तो हमने क्या देखा कि हमारा ऑब्लिगेट यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव कर सक रहे थे, फैकल्टेटिव एनएरोब्स का क्या मतलब था, वैसे तो एरोबिकली रेस्पायर कर रहे थे लेकिन अगर एरोबिक कंडीशन ना भी हो तभी भी वो सर्वाइव कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि ऑब्लिगेट या फिर स्ट्रिक्ट एनएरोब जो कि सिर्फ एनएरोबिकली रेस्पायर कर रहे थे, राइट, सिर्फ और सिर्फ वो बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पायर कर पा रहे थे। अगेन फैकल्टेटिव एरोब्स में हमने देखा कि वैसे तो एनएरोबिकली रेस्पायर कर रहे थे लेकिन अगर एरोबिक कंडीशन है तभी भी वो सर्वाइव कर पा रहे थे, राइट। उसके बाद न्यूट्रिशन के बेसिस पे, अगेन न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने देखा दैट इज फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी कि लाइट और मिनरल्स के प्रेजेंस में वो अपना खुद का खाना खुद बना पा रहे थे, दीज आर फोटो ऑटोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है, फोटोलिथो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक यानी केमिकल्स को सिंथेसिस करके खुद का खाना बना रहे थे। कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक का मतलब था दैट इज कि वो खुद का खाना खुद रॉ मटेरियल से नहीं बना पाते थे इसीलिए वो नरिशमेंट के लिए किसी डेड ऑर्गेनिज्म पे या फिर लिविंग होस्ट पे डिपेंडेंट थे, राइट। उसके बाद हमने देखा सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया फ्री लिविंग थे जो कहाँ देखे जा रहे थे दैट इज डेड ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है, डेड ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट पे जो हमें मिल रहे थे देवर सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज। अगेन सिम्बायोटिक यानी कि जो दोनों का फायदा हो रहा था ऐसा वाला, एक सेकेंड होल्ड सॉरी। हेलो, मेरा क्लास चल रहा है। हाँ सॉरी, ठीक है। सो हमने देखा कि
लाइक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या था, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इज जो खुद का भी फायदा करवा रहे थे और प्लांट का भी फायदा करवा रहे थे. तो हमने देखा कि दैट इज राइजोबियम एक बैक्टीरिया था जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हेल्प कर रहा था. किसके साथ? लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ. लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी हमारे लेग्यूम्स जिसे हम बोलते हैं चने बटाने जो हो जाते हैं वो सब हमारे जो लेग्यूम्स होते हैं उनके प्लांट्स के रूट्स में होते हैं ये. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. पैरासिटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो ऐसा लाइक खून चूसने का काम करते हैं, लाइक हमारे प्लांट्स या फिर एनिमल्स के पूरा न्यूट्रिशन सक कर लेते हैं. ठीक है, बिना उन्हें कोई फायदा दिए इनफैक्ट नुकसान पहुंचा सकते हैं वो उन्हें. राइट, आज रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. मैम सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया का सेकेंड पॉइंट पूरा एक्सप्लेन कीजिए. ओके ग्रेट. द सेकेंड पॉइंट ऑब्टेनिंग नरिशमेंट फ्रॉम द लाइक डेड ऑर्गेनिज्म वाला और दिस वाला. ठीक है, विच वन द सेकेंड. श्रेयस, ओके लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग नाउ. आपका रिप्लाई लेट आ रहा है. ऑब्टेनिंग नरिशमेंट फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लाइक डेड एनिमल्स, राइट, एनिमल के एक्सक्रीटा से, फॉलन लीव्स, डिकेइंग वेजिटेबल्स यहाँ पे जो होते हैं. सो व्हाट हैपन कि दिस बैक्टीरियाज ग्रो ऑन डेड एनिमल्स, एनिमल के एक्सक्रीटा, फॉलन लीव्स, डिकेइंग वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल ऐसे वेजिटेबल्स जो सड़ जाते हैं, फ्रूट्स जो सड़ जाते हैं. ठीक है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स या मैटर पे जो होते हैं, लिविंग मैटर पे जो फीड करते हैं, जहाँ से वो अपना लाइक अपना खाना लेते हैं, अपना सब्सटेंसेस लेते हैं, दीज आर सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया. ठीक है, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस को सिंपल सॉल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और उनका लाइक उनको फिर वो नरिशमेंट लेना ज़्यादा ईजियर जाता है. ठीक है, तो दे डू दिस. ठीक है, डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड लाइक दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट, डेड लिविंग थिंग्स, राइट, लाइक एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, फॉरन लीव्स हो गए, हमारे जो लीव्स गिर जाते हैं झड़के उनके ऊपर भी लगते हैं ना, वो भी डिके हो जाते हैं, तो वो कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, वो सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज होते हैं. ओके ठीक, श्रेयस, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस मेनली बाय असेक्सुअल मेथड एंड आल्सो शो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन. आई गेस नॉट रिकमेंडेशन, इट इज रिकॉम्बिनेशन. यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है. नाउ सी व्हाट इज हियर, कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है मेनली तो वो कैसे करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही लाइक अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, राइट. बट क्या होता है, समटाइम्स हमें देखने मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जनरली दो सेल्स होते हैं जो ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है, और अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं. तो जो सेक्सुअली यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा था, हम उसे सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं. ठीक है, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं बोलते. यहाँ पे जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, हमारे बैक्टीरियाज में, राइट. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियाज प्रोड्यूसेस सेवरल टाइप ऑफ स्पोर्स, ये आपने देखा होगा. ठीक है, स्पोर्स प्रेजेंट लाइक स्पोर्स बनाते हैं हमारे बैक्टीरियाज, जैसे कि एंडोस्पोर हो गया. ठीक है, अब हमें दो यहाँ पे मेथड पढ़ने, दैट इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन और एक बाइनरी फ्यूजन. ठीक है, ये दो मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे. ठीक है, आगे देखते हैं क्या है. नाउ बाइनरी फ्यूजन इज द मोस्ट कॉमन मेथड अंडर फेवरेबल कंडीशन, अंडर फेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. नाउ वॉट इज हैपनिंग हियर, नाउ सी की क्या हो जाता है, फेवरेबल फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन आपको पता होगी. इसका मतलब सीधे सीधे होता है कि नाउ कैसे समझाऊं मैं, देखो फेवरेबल कंडीशन एंड अनफेवरेबल कंडीशन. अभी देखो आप लोग टेस्ट दे रहे हो, नाउ समझ लो आप टेस्ट दे रहे हो, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं टीचर लोग. ठीक है, सो
क्या हो रहा है कि हम आपको देख रहे हैं, ठीक है, हम आपको देख रहे हैं, तब तक आप क्या करेंगे, हाँ आपको कुछ भी नहीं आ रहा है टेस्ट में, कुछ भी नहीं आपको, लेकिन आपको मार्क्स चाहिए है, तो आप क्या करोगे, चीटिंग करोगे, डेफिनेटली करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है, तो चीटिंग कर रहे थे बच्चे, तो क्या कर रहे हैं, वो मैम की तरफ देख रहे हैं कि मैम देख तो नहीं रहे हमें, ठीक है, अगर हम देख रहे हैं और वो चीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज देयर अनफेवरेबल कंडीशन, है ना, कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, और जैसे ही हमारा ध्यान हट गया यहाँ से, वो लोग चीटिंग करने लग गए, है ना, लाइक फेवरेबल कंडीशन, है ना। अभी कैसा होता है कि हमारे बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए फेवरेबल, या फिर किसी को भी ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है। फेवरेबल कंडीशन यानी जिस ऐसी कंडीशन, जिस कंडीशन में वो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हर चीज मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है, प्रॉपर मॉइस्चर मिल रहा है, सारी कंडीशन उनके फेवर में है, दैट इज फेवरेबल कंडीशन, राइट। So it is the most common method under favorable condition of temperature, moisture and availability of nutrients. ठीक है, एक growth वाला जो होता है सीना, the growth phase of हमारे bacteria कैसे होते हैं, ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। So most bacteria are divided into two daughter cells. These are my spelling mistakes. Why I am doing this? I don't know. ठीक है, so most of the bacteria cell divide into two daughter cells. Now this process of cell division is atomic type and यहाँ समझ में आएगा हमें। Now see, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है the first step is prokaryotic parent cell initiates replication. अब ये bacteria cell था हमारा, इसे मिल गया इसका favorable condition. Favorable condition, बहुत सारा nutrient मिल गया, ये क्या करेंगे, replicate करना start कर देंगे, ना। तो अब फेवरेबल कंडीशन मिल गया, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर बराबर से है, इनका सब 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 चीजें बराबर से है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, राइट। अब रेप्लिकेट करने का सबसे पहले क्या करेंगे, इनका जो न्यूक्लियोइड है, यहाँ पे जो डीएनए मटेरियल, इनका जेनेटिक मटेरियल है, सबसे पहले वो रेप्लिकेट करेगा, है ना। सो अ कॉपी ऑफ सेल्स डीएनए इज क्रिएटेड। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, सबसे पहले तो डीएनए की कॉपी बना ली है, ठीक है। अब डीएनए की कॉपी बना ली, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो सेल वॉल है ये क्या करेगी, इलोंगेट करेगी और यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करेगी, राइट। इसे बोलते हैं क्लीवेज, क्लीव करना, राइट। क्या हो जाएंगे, ये सेल्स क्या करेंगे, इलोंगेट करेंगे और एक वॉल फॉर्म करेंगे। वॉल फॉर्म होने के बाद ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, है ना। दिस इज सो इजी, बाइनरी फ्यूजन इज सो इजी। What is happening? सबसे पहले हमारा फेवरेबल कंडीशन वाला जो बैक्टीरियल सेल था, अब जिसे रेप्लीकेट करवाना है, वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डीएनए की कॉपी बनाएंगे। डीएनए की कॉपी बनाने के बाद ये जो सेल है ग्रो करते जाएंगे, इम्पैक्ट लेंथ में ग्रो करेंगे, ठीक है। इलोंगेट हो रहे हैं, इलोंगेट होने के बाद ये जो सेल वॉल होता है ये इनका, ये क्रॉस वॉल फॉर्मेशन करता है, और वॉल फॉर्म होने के बाद ये दोनों डिफरेंट ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। सो एक सेल से हमारे कितने, दो डॉटर सेल्स बन चुके हैं, एक सेल से हमारे ये दो डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है, ये दो डॉटर सेल्स बन गए, दिस इज बाइनरी फ्यूजन, राइट। इसके बाद आता है दैट इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके बाद आता है एंडोस्पोर का, अब क्या हो जाता है कि सर्टन सेल ऑफ बैक्टीरिया क्या करते हैं, लाइक बैसिलस हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, ठीक है, क्या करते हैं, अपने अराउंड एक थिक वॉल बना लेते हैं, ठीक है, अपने अराउंड में एक थिक वॉल बना लेते हैं। बैक्टीरिया है तो कंडीशन अनफेवरेबल होती है, वो क्या करते हैं, अपने अराउंड में थिक वॉल बना लेते हैं, ठीक है। इस थिक वॉल को क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं एंडोस्पोर, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज में क्या हो जाता है कि हाँ एंडोस्पोर बना लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, अंदर के अंदर इनके स्पोर फॉर्मेशन होते रहते हैं बहुत सारे, फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है ये जो वॉल होता है ब्रेक हो जाते हैं और ये स्पोर्स आ गए बाहर, और ये क्या करते हैं फिर हमारे न्यू हमारे बैक्टीरियाज बनाते हैं, ठीक है। बट क्या है, वन बैक्टीरियल सेल नॉर्मली प्रोड्यूसेस ओनली सिंगल एंडोस्पोर, ठीक है, वन बैक्टीरियल सेल नॉर्मली प्रोड्यूसेस ओनली सिंगल एंडोस्पोर। एंडोस्पोर मे बी स्पेरिकल और ओवल इन शेप एंड आर टर्मिनल और सेंट्रल इन पोजिशन। जो एंडोस्पोर होता है वो जनरली स्पेरिकल या फिर ओवल होता है, ठीक है, मेरे दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, ठीक है, स्पेरिकल या फिर ओवल होता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, एक तो टर्मिनल पोजिशन पे या फिर सेंट्रल पोजिशन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है।
नाउ एंटीकोएगुलेंट नेचर, एंटीकोएगुलेंट यानी कि रेजिस्टेंट नेचर जो हमारे बैक्टीरियाज में आ जाता है. नाउ सपोज आपने, आपको कोई बैक्टीरियल डिजीजेस हुआ है, बैक्टीरियल डिजीज हो चुका है, आपने बहुत सारी दवाई खा ली है, तो क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया क्या है, रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है. सारे के सारे नहीं मरते, कुछ जो होते हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं. तो ये किसके वजह से होता है, कैल्शियम डिपिक्लोनिक एसिड के वजह से होता है. दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है. कैल्शियम डिपिक्लोनिक एसिड जो होते हैं उनके कॉर्टेक्स लेयर पे आ जाते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये एंडोस्पोर जो होता है रेजिस्टेंस फॉर्म करता है, वो मरता नहीं है एंटीबायोटिक से. ठीक है, अब थोड़ा लेवल हाई हाई जाएगा, ठीक है, अपनी मेंटालिटी बना के रखी है. अभी अभी इजी इजी वे में नहीं पढ़ाया जाएगा, नहीं इजी वे में पढ़ाया जाएगा. अमीबा होते हैं ना, अमीबा बेटा प्रोटोजोन्स में होते हैं, ठीक है, अमीबा प्रोटोजोन्स में होते हैं, ठीक है, वो भी बाइनरी फ्यूजन करते हैं, बट दे आर प्रोटोजोन्स. वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरियाज, राइट, डोंट वरी, हम सारी चीजें कवर करेंगे, नहीं भी आता होगा तभी कवर करेंगे, ठीक है. अब लेवल थोड़ा थोड़ा हाई जाएगा, ठीक है, मैं शायद हो सके तो थोड़ा लाइक स्पीड भी पकड़ लूँ, क्योंकि हमारा चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी है. आज सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है कि सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है. तीन टाइप्स के होते हैं जनरली, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है. इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, देखते क्या होते हैं. ये रहा हमारा कॉन्जुगेशन, ठीक है. बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में जनरली क्या होता है, मैंने बताया था आपको पाइलस प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के सेल के ऊपर, ठीक है. तो जो पाइलस प्रेजेंट होता है, मैंने बोला था कि वो अटैचमेंट का काम करता है, याद है ना, अटैचमेंट का काम करता है पाइलस जो होता है, वो अटैचमेंट का काम करता है, याद है सबको. याद है, हाँ या ना, हे भगवान, कोई बात भी नहीं करता, ठीक. सो क्या हो रहा है यहाँ पे, नाउ द कॉन्जुगेशन इज द टेक्निक ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर. नाउ व्हाट इज ट्रांसफरिंग, याद है, ग्रेट. नाउ व्हाट इज ट्रांसफरिंग, नाउ सी यहाँ पे क्या होता है, एक एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है. एफ फैक्टर को क्या बोला जाता है, फर्टिलिटी फैक्टर. वेट, एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है बैक्टेरियाज में, कुछ बैक्टेरियाज में, ठीक है, जिसे बोलते हैं फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं. ये जो एफ फैक्टर होता है, ये कुछ नहीं, एक जेनेटिक कोड है, ठीक है, जो किसे कोड करता है, पाइलस को. यानी अगर ये एफ फैक्टर प्रेजेंट होगा तो बैक्टीरिया के ऊपर पाइलस प्रेजेंट होगा. तो एफ फैक्टर हम जनरली मेल को डिनोट करते हैं. अच्छा, फीमेल और मेल का सिंबल तो आपको पता होगा, है ना, दिस इज फीमेल. ये हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, और हर बार हम फीमेल और मेल नहीं लिखते बैठेंगे, है ना. और दिस इज मेल, दिस सिंबल इज फॉर फीमेल एंड दिस सिंबल इज फॉर मेल. सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, कि ये जो हमारा प्लाज्मिड होता है, ये जो डीएनए होता है बैक्टीरियल का, ठीक है, सर्कुलर डीएनए होता है, तो इसमें एक छोटा सा हमारा जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज एफ फैक्टर का, वो कोड कर रहा है, उसे एफ फैक्टर को कोड कर रहा है, यानी कि वहाँ पे पाइलस प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया में पाइलस प्रेजेंट रहेंगे, एफ फैक्टर है तो पाइलस प्रेजेंट रहेगा. अब ऐसा ऐसा बैक्टीरिया जिसमें पाइलस प्रेजेंट नहीं है, जो एफ फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे रेसिपिएंट, ठीक है, जैसे क्योंकि इसको जेनेटिक मटेरियल चाहिए है वो, और जो दे रहा है उसे हम बोलेंगे डोनर सेल, ठीक है. अब क्या हो रहा है कि ये दोनों, पाइलस किस काम में आ रहा था, अटैचमेंट के काम आ रहा था, है ना, पाइलस का काम क्या था, अटैचमेंट का काम. तो ये क्या करेगा, दूसरे सेल को खुद से अटैच करेगा, खुद से अटैच करेगा, इन लोग की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मर्ज हो जाएंगे, और ये जो है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा हमारे दूसरे बैक्टीरिया में,
जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये किसको कोड कर रहा था, जो जेनेटिक मटेरियल एफ फैक्टर जो हमने बोला, वो किसे कोड कर रहा था, पाइलस को, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे तो पहले से ही था क्योंकि ये डोनर था हमारा, तो ये जो जिसको हमने रेसिपिएंट था जहाँ पे हमने ये एफ फैक्टर हमने इंसर्ट किया है, तो उसके भी तो बॉडी में पाइलस देखने मिलेगा। तो नाउ दिस इज ऑल्सो न्यू डोनर सेल एंड दिस इज ऑल्सो न्यू डोनर सेल, नाउ इट कैन डोनेट टू एनी अदर बैक्टेरियल सेल, राइट। ओके एक और बार मैं बताती हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल है, इसमें सपोज एक थोड़ा सा हमारे पोर्शन है जो कोड कर रहा है किसे, एफ फैक्टर को। व्हाट इज एफ फैक्टर, दैट इज फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है। अब जिस भी बैक्टीरिया के पास एफ फैक्टर प्रेजेंट होगा उसके पास पाइलस प्रेजेंट होगा, ठीक है। कि ये क्या कोड कर रहा था, पाइलस के प्रेजेंस या एब्सेंस को कोड कर रहा था, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहेंगे जिनके पास ये पाइलस प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे इस, अभी इसको चाहिए है पाइलस, तो इसने क्या किया, बोले कि हाँ हमें भी दे दो करके। तो ही इज लाइक कि चलो ओके इधर पास में आ जाओ, बोले पाइलस उसको अटैच कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, राइट। यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो एफ फैक्टर वाला जो जीन है, वो क्या हो जाएगा, हमारे दूसरे बैक्टीरिया में जिसके पास नहीं है उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। और इसके पास जब ट्रांसफर हो गया, इसके पास ऑलरेडी पाइलस नहीं था, और ये जो हमारा जीन है ये पाइलस को कोड कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, इसके पास एक नया पाइलस आ जाएगा। और ये क्या करेगा, ये दूसरे बैक्टीरिया से अटैच करेगा, फिर उसे उसे ये वाला प्लाज्मिड, ये वाला डीएनए दे देगा, राइट। सो दे आर ट्रांसफरिंग द जेनेटिक मटेरियल। नाउ दिस इज नॉट अ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट हाँ दो सेल जुड़ रहे और मर्ज होके ये क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए हम इसे सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ दिस मेथड वॉज प्रपोज बाय लीडरबर्ग एंड टॉटम, ठीक है। दे डिस्कवर्ड दैट एफ फैक्टर कैन मूव इजिली बिटवीन ई कोलाई सेल एंड प्रपोज द कॉन्सेप्ट कॉन्जुगेशन, ठीक है। इन्होंने, इनको क्या लगा, ये फैक्टर जो है वो इजीली मूव कर रहे थे इकोलाई सेल्स के बीच में, इसलिए उस बेसिस पे, उस कंसेप्ट को लेके इन्होंने कॉन्जुगेशन डिस्कवर किया था, ठीक है। ये मेथड उन्होंने डिस्कवर करी थी लीडरबर्ग एंड टैटम ने, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, राइट। सी मैकेनिज्म बहुत अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले पाइलस फॉर्मेशन, the donor cell that is F positive cells form a sex pilus and begin contact with the F minus cell, यानी कि recipient cell, जिसके पास ये pilus है that is F plus, जिसके पास नहीं है that is F minus, right? Then उसके बाद क्या हो जाएगा, physical contact हो जाएगा किसके बीच में, donor और recipient cell के बीच में। उसके बाद क्या होगा, transfer of plasmid, ये जो plasmid है ये transfer हो रहा है, ठीक है। कहाँ से, F पॉजिटिव से जाएगा F नेगेटिव वाले हमारे सेल के पास। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, छोटा सा प्लाज्मिड गया ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना देगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा और क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे न्यू डोनर सेल हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब ये भी F पॉजिटिव बन चुका है और ये ऑलरेडी F पॉजिटिव था, ठीक है। इतनी थियोरी याद मत करो, ये कंसेप्ट याद रखो बस। ठीक, कितना ठीक है यहाँ तक, ठीक है, फास्ट हो गया क्या, कुछ बच्चों ने पढ़े होंगे और कुछ बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे। जिन्होंने पढ़े होंगे उनको आसानी से समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत जा रही होगी, है ना। नो फास्ट हुआ क्या, नहीं, ओके दीप, आई डोंट नो वॉट यू मीन बाई नो एक्चुअली, ओके हाँ फास्ट नहीं हो रहा, ओके फास्ट नहीं हो रहा, ओके आर यू गेटिंग मी, इतना क्लियर है। ओके द सेकेंड प्रोसीजर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो था, सेकेंड जो थिंग है दैट इज बैक्टेरियल ट्रांसडक्शन। ठीक है, बड़े बड़े नाम है अभी ये, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ना ना ना, ठीक है।
अब क्या हो गया यहाँ पे, नाउ ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम रेसिपिएंट डोनर। अच्छा, आपने आपने ये सुना होगा बैक्टीरियोफाज, ये नाम सुना होगा आपने, है ना, ऐसे बोलते बैक्टीरिया का वायरस, ठीक है। सो बहुत अच्छा डायग्राम है ये बच्चों, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो द थिंग इज की यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बैक्टीरियोफाज है जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल पे आके बैठ चुका है, ठीक है, बैक्टीरिया के सेल वॉल पे आके बैठ चुका है। अब इसके अंदर जो पिंक वाला आपको दिख रहा है ये वायरस है, ये एक्चुअल वायरस का क्या है, डीएनए है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है, अब इसे बोल ये इसे रेप्लिकेशन करना है, तो ये रेप्लिकेशन क्या करेगा, देखो खुद का कैसे प्रोजेनी बढ़ा रहा है ये। सबसे पहली चीज ये क्या कर रहा है कि अपना डीएनए इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, ये जो बैक्टीरियोफाज है इन्होंने बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना डीएनए इंसर्ट कर दिया। फिर बैक्टीरियाज के कुछ प्रोटीन्स और इनके सारी चीजें, बैक्टीरियाज के अंदर जितनी भी चीजें रहती उनको लेके इन्होंने अपनी एंटायर बॉडी बनाई, ठीक है, एंटायर बॉडी बनाई तो बनाई, उसके बाद उस क्या कर दिया, बैक्टीरियल सेल को तोड़ के बाहर निकल गए, ठीक है, बाहर निकल के बहुत सारी तादाद में, ठीक है, एक था, एक से उन्होंने कितने सारे बनाए, बहुत सारे बनाए, बहुत सारे बनाए, और ये वापस किसी और बैक्टीरिया को आके इन्फेक्ट करने लग गए, ठीक है, ऐसा काम किए इन्होंने। तो ये क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, इनके जेनेटिक मटेरियल का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बैक्टीरियल्स के भी कुछ डीएनए थे, है ना, बैक्टीरिया अकेले हमारे वायरसेस के डीएनए थे क्या, नहीं थे, ये जो ब्लू वाले जो है ये बैक्टीरिया के भी डीएनए थे हमारे, तो कुछ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, कुछ जो थे हमारे, कुछ जो बैक्टीरियोफाज थे उनमें बैक्टीरियल डीएनए भी थे, है ना, उनके अलावा कुछ और था, यानी कि रिकॉम्बिनेंट था, रिकॉम्बिनेंट यानी कि कॉम्बिनेशन, रिकम्बाइंड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, समथिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे बैक्टीरियाज के भी डीएनए है और ये बैक्टीरियोफाज का भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो ये ऐसा जो हाइब्रिड वाला जो जिसमें अलग अलग दो हमारे बैक्टीरिया के डीएनए है वो अगर किसी और से मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पे जो है वो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड आ चुका है और जो वायरस का जो डीएनए था वो नहीं मिक्स हुआ हमारे बैक्टीरियल डीएनए के साथ। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया ना, चलो थियोरी पे आते, अच्छा थियोरी है, इसी पे बात करते हैं, ठीक है। देखो क्या हो रहा है कि एक बैक्टीरियोफाज है हमारा, राइट, दिस इज वन बैक्टीरियोफाज, पिंक वाला हमारे बैक्टीरियोफाज का डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ब्लू वाला जो है वो हमारे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। हमें क्या करवाना है, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में डालना है, ठीक है, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में डालना, बात समझ में आ रही है। तो क्या हो जाएगा, ये जब यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहे थे तो, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बैक्टीरिया जो बैक्टीरियोफाज थे वो बिल्कुल एक जैसे ही जेनेटिक मटेरियल कॉपी कर ले, किसी किसी में यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि ये वाला जो है एक बैक्टीरिया, इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों डीएनए है, दोनों जेनेटिक मटेरियल, दोनों के जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरिया का भी और खुद का भी, ठीक है। तो जब ये वापस से किसी और बैक्टीरिया के ऊपर आ जाएगा और अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा तो क्या हो जाएगा कि हो सकता है कि बाय एनी चांस कि वही जो बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया, इसका जो डीएनए मटेरियल हो वो हमारे न्यू बैक्टीरिया में चले जाए, ठीक है, और क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन, है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। सर के ऊपर से क्या कह रहे, मेरे को किसी का रिप्लाई भी नहीं आ रहा है, ए भी हो गया क्या ये, अरे बोलो 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 जल्दी बोलो। एक लास्ट टॉपिक है बच्चा फिर हमारा, फिर बैक्टीरिया बैक्टीरिया खत्म करेंगे, बैक्टीरिया के दो टाइप पढ़ लेंगे और फिर सीधा हम नेक्स्ट इस पे जंप करेंगे, प्रोटिस्टा पे, ठीक है। समझ में आया क्या,
को तो ऐसा लग रहा तुम लोग क्लास चालू करके ना बाहर घूमने गए हो। मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा तुम लोग कर रहे हो। ओके थैंक यू दीप, थैंक यू आदिति। बेचारे दो ही बच्चे मेरे अच्छे हैं, बाकी सब कहाँ पता नहीं सो गए। दुशांत ओके ग्रेट, प्रज्वल ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है दैट इज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो क्या होता है इसमें एक्चुअली ये चीजें नहीं कि हम लैब में भी कर सकते हैं, ठीक है, ये जनरली भी होता है और लैब में भी होता है ना। व्हाट इज हैपनिंग हियर, सी, ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए अपटेक बाय बैक्टीरिया फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरमेंट। यानी कि इसका सराउंडिंग एनवायरमेंट है, सपोज कर लो कुछ भी हमारा, वहां से अगर बैक्टीरिया डीएनए मटेरियल ले रहा है तो वी कॉल इट एज अ ट्रांसफॉर्मेशन। और ऐसे सेल्स जिनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के डीएनए से, सॉरी सराउंडिंग एनवायरनमेंट से डीएनए ले सक रहे हैं, ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट सेल्स। कि ऐसे सेल्स को हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेंट सेल्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए अपटेक बाय बैक्टीरिया फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग कि द सेल्स दैट हैव एबिलिटी टू अपटेक डीएनए आर नोन एज कॉम्पिटेंट सेल्स। ऐसे सेल्स जो कि डीएनए अपटेक कर सकते हैं वो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेंट सेल। और सारे के सारे सेल्स कॉम्पिटेंट, सारे के सारे बैक्टीरिया ये सारी चीजें नहीं कर सकते, ठीक है, सारे के सारे बैक्टीरिया क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, कुछ होते हैं। ठीक है, नाउ दिस प्रोसेस वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनाए बाय ग्रिफिथ। ये स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया भी नाम हमने पढ़ा है, ये क्या कॉज कर रहा था, निमोनिया। कैसे, कौन सा शेप था इसका, शेप कैसा था जल्दी बताओ, निमोनिया कॉज कर रहा था, शेप कैसा था हमारा, कोकस, डिप्लोकोकस। पीछे के लेक्चर का भूलो मत, है ना, शेप कैसा था, डिप्लोकोकस, है ना, निमोनिया का हमारा। ठीक है, सो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये सबसे पहले हमने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाए में देखे। ठीक है, अब सारे के सारे बैक्टीरियाज में ऐसी एबिलिटी होती नहीं है, तो जिनमें नहीं होती है उनमें हम बना सकते हैं, आर्टिफिशियली कॉम्पिटेंट बना सकते हैं हम कुछ बैक्टीरियाज को, ताकि वो डीएनए ले सके। ठीक है, बाई यूजिंग केमिकल्स एंड सम इलेक्ट्रिकल पल्सेस, राइट, वी कैन डू दिस। सो वॉट इज हैपनिंग हियर नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये है सपोज हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ऐसा जीन जो हमें इस बैक्टीरिया में डालना है। ठीक है, ये जनरली बायोटेक में होता है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, अब एक छोटा सा हमारा प्लाज्मिड है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम बोलेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम बोलते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमें डालना है इस बैक्टीरिया में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेंगे हम, इसे लाइगेस के फॉर्म, लाइगेस किस काम करता है पता है, लाइगेस का सीधे सीधे काम ये रहता है कि वो डीएनए को ब्रेक करता है, डीएनए को ब्रेक करके क्या करता है, यहाँ पे इसे ज्वाइन होने में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा अभी फिलहाल के लिए नहीं, क्या आप थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में याद रखिए, ये जो है बायोटेक में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। ठीक है, हमारे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे 12th में। अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, अभी से आपका टेंशन नहीं बढ़ाती हूँ मैं, है ना, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि क्या ही पढ़ा रहे हैं मैम। ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम एक किसी प्लाज्मेट्स किसी और हमारे किसी और ऑर्गेनिज्म से हम क्या करते हैं, हमारे बैक्टीरिया में डालते हैं, फिर वो क्या करता है, वो रेप्लीकेट करता है, और ये क्या करते हैं, हम इसे किसी और ऑर्गेनिज्म में फिर से डाल सकते हैं ताकि हमारे हमारा काम हो जाए। ठीक है, बेसिकली ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा यूज होता है। सो ट्रांसफॉर्मेशन में इतना याद रखिए कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने अंदर डीएनए ले सकते हैं। ठीक है, और अगर जो नहीं लेते हैं हम उसे आर्टिफिशियली भी कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो आर्की बैक्टीरिया वगैरह है ये फिर हम कल देखते हैं, ठीक है? आज जो जितना पढ़ाया है उतना पढ़ो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, बाकी का हम कल के लेक्चर में देखेंगे, राइट? ओके वैदही, देखो धीरे 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 हमें आगे बढ़ना ही है, तो हमें थोड़ा सा लेवल अप करना ही पड़ेगा, ठीक है? और आप जब तक पढ़ोगे नहीं आपको नहीं समझेगा, ठीक है? अगेन अगेन मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि आप पढ़ो तभी समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा, ठीक है ना? सिर्फ ये लेक्चर के भरोसे पे मत रहिए। ओके चलो, बाय बाय।